इलेक्शन में चूंकि अब तकरीबन रह गए हैं 20 दिन, तो हम रोजाना इलेक्शन के हवाले से कोई ना कोई अपडेट आपको इंतखाबी सियासत हल्के क्या रुख पेश कर सकते हैं वो किसी ना किसी सूरत में आपकी खदमत में पेश करते रहते हैं। तो आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी पेशरफ उस वक्त हुई थी, आई ओपनिंग पेशरफ हुई थी कि जब एक पार्टी वजूद में आई जिसका नाम था इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें मेजोरिटी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो नाराज अराकीन थे, जो छोड़े हुए लोग थे, वो उसमें शामिल हो रहे थे। जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब उस पार्टी के सरबरा थे। और बात यह हुई कि ये पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी सियासत में जा सकती है। फिर बातें हो रही थी कि बहुत सारी सीटों पर सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही थी। बहरहाल जहां पर आके बात रुकी हुई कि कौमी असेंबली की सिर्फ 6 और सूबाई असेंबली के 11 हलकों में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक हुआ नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान। और बहुत सारे जो नामवर रहनुमा उनकी भी नशिस्तों पर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की नशिस्तों पर भी इत्तेफाक नहीं हुआ। इंटरेस्टिंगली कुछ नशिस्तों पर तो इत्तेफाक किया है, लेकिन नून लीग के कई सरकर्दा रहनुमा भी बिल्कुल खुलकर आज भी इस चीज की मुखालफत करते हैं कि हमें ये इत्तेहाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से नहीं करना चाहिए था, वो आज भी ये कहते हैं। उसके आपको एक झलक दिखाते हैं हनीफ अब्बासी साहब ने, जावेद लतीफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में, और उसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी शाहजीब साहब के प्रोग्राम में इस मुतालिक क्या कहा दिखाई। जावेद साहब, ये जो खबर चल रही है ये ठीक है, इसकी तस्दीक करते हैं कि आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट तय पा गई है कौमी और सूबाई असेंबली के कुछ हलकों? जाती तौर पर मैं तो सच्ची बात है इस हक में नहीं हूं कि पंजाब भर में किसी जगह सीट एडजस्टमेंट या किसी जमात से इत्तेहाद किया जाए। गुलाम सरवर साहब जो हैं जिस किस्म की गुफ्तगू फरमाते थे, हमने तो नहीं उनको कबूल किया, लेकिन हमने खाली छोड़ी है कि कोई और पार्टी वहां पे अपना कैंडिडेट अगर खड़ा करना चाहती है जिसमें ये सारे फहरिस्त हैं तो हमारे लिए डेफिनेटली एम्बेरसिंग होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट, ये ऐसी क्या मजबूरी थी? जिन्होंने मियां नवाज आशिफ, उनकी फैमिली, उनके अबाजदाद के बारे में गंदी गुफ्तगू की है, ये मेरे लिए बड़ी अफसोसनाक बात है। ऐसे लोगों के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए थी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कारकुन जो है कई जगहों के ऊपर इस हवाले से जो है वो परेशान है। अगर इससे पहले तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फैजल हुसैन चौहान साहब हमारे प्रोग्राम में ये कह गए थे कि दोनों तरफ की ख्वाहिश पर बातचीत का आगाज हुआ है सीट एडजस्टमेंट के लिए, यानी कि नून की भी ख्वाहिश और आईपीपी की ख्वाहिश, और इसलिए बातचीत का आगाज हुआ है। उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। अच्छा, मैंने आपको ये कहा कि ये दोनों तरफ की ख्वाहिश के ऊपर चीज इनिशिएट हुई। अब तीन तीन रुकनी कमेटी बन गई है और उसमें इंशाल्लाह 2-4-6 दिनों के अंदर चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। हमारे साथ अभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान जनाब फैजल हुसैन चौहान साहब मौजूद हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक तो ये आपका जो बयान मैंने चलाया, जब यही बयान मैंने जावेद लतीफ साहब को सुनाया था तो उन्होंने कहा भाई ये जो दो, उन्होंने अजराए मजाक कहा कि जो दो तरफ का वो कह रहे हैं ना कि दो तरफ की ख्वाहिशात हैं, तो ऐसा लगता है कि उसमें पहली तरफ भी इस्तेहकाम पाकिस्तान की ख्वाहिश और दूसरी तरफ भी उन्हीं की ख्वाहिश है। और हनीफ अब्बासी साहब तो कल जब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कुछ सीटों पर इत्तेहाद, तब भी उन्होंने बबांगे दौल कहा कि मैं तो बहरहाल इसके हक में नहीं हूं। जावेद लतीफ साहब ने तो यह भी कहा कि हो सकता है वो नशिस्तें हमारे हारने का इम्कान हो जाए। तो बजायर ऐसा लगता है कि नून लीग ने भी कोई बस बात लेना खासता इत्तेहाद कर लिया है, पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी थी बेचारों की। तो इससे पहले यह इल्जाम था कि बंदे जबरदस्ती शामिल हो रहे हैं, ये क्या आपने पार्टी भी जबरदस्ती शामिल करा ली है कि करो इत्तेहाद कुछ सीटों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, अगर मियां जावेद लतीफ साहब की बात मान ली जाए तो फिर उनसे पूछे कि ये 6 कौमी असेंबली की और 11 सूबाई असेंबलियों पे ये किसने जनाब ये इत्तेहाद किया? ये कोई जी, मैंने पूछा, उन्होंने कहा ये तो लीडरशिप के फैसले, मैं तो अपनी राय दे सकता हूँ। तो मैंने जो बात कही थी कि ये दोनों तरफ की इंटेंशन या दोनों तरफ की विल या दोनों तरफ की विश या दोनों तरफ की डिटर्मिनेशन या दोनों तरफ की इनिशिएटिव की बुनियाद पर चीजें चल रही हैं, तो वो तो सच्ची साबित हो गई ना कि दोनों तरफ का था। अच्छा, वैसे मेरा एक मासूमाना सवाल है, जरा समझने के लिए जरा समझाएं, क्योंकि आप इंतखाबी मासूमाना ना पूछा जाए क्योंकि आप सियासत इंतखाबी सियासत, देखिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक नई पार्टी है, वो किसी इत्तेहादी को देखिए, वो भी नून लीग जैसी जिसका पंजाब में बहरहाल होल्ड हो, तो समझ में आती है बात। नून लीग की क्यों ख्वाहिश होगी कि एक नौजायदा पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद में जाए और अपने लाहौर जैसे शहर के कुछ हलके छोड़ दे, क्यों? ये ऐसी आपका तजिया क्या है, मैं समझना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, देखिए बुनियादी तौर पर आप देखेंगे कि 2019, 20 और 21 के अंदर नून लीग पंजाब के अंदर हर जिमनी इलेक्शन जीतती रही, लेकिन फिर जब ये इकतदार में आए 2022 अप्रैल में, उसके बाद से लेके फिर जो इन्होंने 16 महीने हुकूमत की, उसके बाद तो हालात चेंज हो गए ना।
फिर तो पब्लिक के अंदर इनके हवाले से जो सेंटीमेंट्स है, मैं कोई ऐसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि अब ये हमारे एडजस्टमेंट हुई है और उनके साथ मामला चल रहे हैं, तो जो जो ग्रासरूट लेवल पे पब्लिक के सेंटीमेंट्स है वो तो आपके सामने है। पिछले 16 साल की जिनकी हुकूमत थी तो अब इतनी ग्रिप भी नहीं थी। अब आईपीपी का रोल ये है कि हम लोगों ने हमने जी जी ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतरी के लिए हम जिस तरीके से फ्रंट फुट पे आके तहरीके इंसाफ की तहरीक फसाद फिल अर्ज के खिलाफ खड़े हुए, हमारा एक किरदार है अब लोगों की जहनी अभियारी के लिए भी और बाकी। अब जब ये दोनों तरफ से चीजें जनाब इनिशिएट हुई तो ठीक है, बीच में से जो फार्मूला निकला है उसके पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट इलेक्शन के बाद समझ आ जाएंगे। इलेक्शन के बाद आपको पता चलेगा कि कितना नून लीग को फायदा हुआ, कितना नून लीग को नुकसान हुआ, ये चीज आपके सामने आ जाएगी। तो गोया नून लीग को लगा कि हमारी गिरफ्त वैसी इतनी तगड़ी नहीं है तो कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वोट इतने होंगे कि वो मिल जाएंगे दोनों तो अच्छा हो जाएगा मामला। मैं आपके सामने छोटी सी बात रखती हूं, अगर हम पंजाब की हर सीट के ऊपर अपना एमपीए का या एमएनए का कैंडिडेट इलेक्टेबल्स की सूरत पर खड़ा कर देते तो जनाब 5000 8000 10000 15000 20000 वोट लेना एक ऐसे इलेक्टेबल के लिए कि जो एमपीए मिनिस्टर वफाकी मिनिस्टर सूबाई मिनिस्टर राव इतना मुश्किल नहीं होता, तो उसका कंसिक्वेंटली फायदा किसको होना था? तहरीक फसाद फिल अर्ज वालों को होना था, तहरीक इंसाफ को होना था। तो जनाब हम लोगों ने भी एक हवाले से कुर्बानी दी, हमने जनाब चीजों के हवाले से अगर उनके साथ कोई एडजस्टमेंट करके कोई इलेक्शन, अब मैंने अपने हलके के अंदर मैंने बैकआउट किया, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। आप नहीं लड़े इलेक्शन? हाँ, मैं इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहा? मैंने 8 महीने नजरियाती बुनियादों पे पाकिस्तान की सियासत में और मीडिया में इस तहरीक फसाद फिल अर्ज के खिलाफ डट के मैं खड़ा हुआ हूँ। मैंने एक कफारे के तौर पे जो हम इस्तेमाल हुए, मैं इस्तेमाल हुआ रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के रियासती अदारों के खिलाफ, बैरूनी ताकतों की शह पे तहरीक फसाद फिल अर्ज का जो सोशल मीडिया था उसके जनाब शिकार होकर जो सारी चीजें हुई, मैंने 8 महीने जो जंग लड़ी नजरियाती बुनियादों पर लड़ी है। मेरे अलावा शायद आपको दूसरा तीसरा बंदा मुश्किल से नजर आएगा, आईपीपी के अंदर हो या आईपीपी से बाहर हो। अब मैं जब मौका आया तो मैं इस मौके पर अगर खड़ा हो जाता, तहरीक फसाद फिल अर्ज का कैंडिडेट होता, मैं होता, नून लीग का होता, तो मैं 10,000 12,000 15,000 20,000 वोट ले लेता, तो उसका कंसिक्वेंटली डायरेक्ट फायदा तहरीक इंसाफ और तहरीक फसाद फिल अर्ज के कैंडिडेट को हो रहा था। मैं बैकअप कर गया कि चलो यार, हमने जो नजरियाती बुनियादों पर 7-8 महीने से जंग लड़ी है और एक फितना के जो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर है कि जिसने ना चीफ जस्टिस को छोड़ा, ना जजेस को छोड़ा, ना एंकर्स को छोड़ा, ना आर्मी चीफ को छोड़ा, ना आर्मी के फौज के शहदा को छोड़ा, ना उन्होंने सियासी मुखालफीन को छोड़ा, तूफान बदतमीजी पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सोशल मीडिया और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर भी एक लॉलेसनेस क्रिएट की हुई है, उस फितने को खत्म होना चाहिए। तो इसलिए आपकी लेकिन आपने कोशिश नहीं की नून लीग को राजी करें कि भाईजान मेहरबानी करें कर लें सीट पे एडजस्टमेंट? यार अपनी अपनी ईगो और अपनी अपनी सोच होती है ना। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि मैंने 1% भी अपनी अपनी पार्टी जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, या आप उनको अभी ले लें ऑन बोर्ड, उनसे पूछे कि फयाज चौहान ने कभी आपको फोन करके या आपके पास आके ये बात की हो कि मेरे हल्के के लिए बात? अच्छा, मेरी सीट कटनी है।